हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पीडीएफ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस को कैसे हाईलाइट करके रखोगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके पीडीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट लाइन को हाईलाइट करके रखोगे, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो इसी तरह से अगर आप भी आपके पीडीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखोगे एंड बाद में किसी भी टाइम पर जैसे ही पढ़ने जाओगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही ईजी लगेगा। तो कैसे हाईलाइट करना है पीडीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन में डिटेल में दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको मोबाइल की स्क्रीन में लेके चलता हूं। आपके पीडीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है एडोब एक्रोबैट, मतलब ये वाला एप्लीकेशन। ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप सर्च बार में जाना, उसके बाद यहाँ पर एडोब एक्रोबैट लिख लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला एप्लीकेशन मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मुझे ओपन करने के लिए बोल रहे थे। आप सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर लेने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पीडीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को कैसे हाईलाइट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर में चला जाता हूं। यहां पर मेरा एक पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं उस पीडीएफ को एडोब एक्रोबैट एप्लीकेशन के अंदर ओपन करूंगा। तो मैं देखो ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करके डाउनलोड वाला सेक्शन में जाके यहाँ पर देखो ए वाला मेरा पीडीएफ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर रहा हूँ। देखो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद नीचे बहुत सारे पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ से एडोब एक्रोबैट वाला एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, क्लियर ना। इसके ऊपर देखो क्लिक कर लिया एक बार, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वाला पीडीएफ एडोब एक्रोबैट एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर ये वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, पेंसिल वाला आइकॉन। तो आपको इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद देखो सबसे ऊपर में आपको कॉमेंट वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस कॉमेंट वाला सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद देखो यहाँ पर एक ए वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद देखो यहाँ पर आपको एक कलर वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, ए वाला। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन को आप किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हो। देखो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कर दिया तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स देखने को मिल रहे हैं, जिस कलर के ऊपर क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर ना। मान लो कि मैं येलो को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसके ऊपर एक बार जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये नीचे लग जाएगा। देखो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली नीचे हो गया, क्लियर। अब आप किस लाइन को हाईलाइट करना चाहते हो, देखो ए वाला सिलेक्ट किया हुआ है, ए वाला सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप किस लाइन को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे कि मान लो कि मैं ए वाला लाइन को हाईलाइट करूँगा, ठीक है। तो कैसे हाईलाइट करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो उंगली से आपको स्टार्टिंग से आपको लॉन्ग प्रेस करके ऐसे रखना है। लॉन्ग प्रेस रखने के बाद आप एक दो सेकंड के बाद इसको स्क्रॉल करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है, एंड जैसे ही उंगली को छोड़ दोगे देखो हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पर तीन नंबर पॉइंट को, ए वाला पॉइंट को मैं हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो इसके ऊपर मैं लॉन्ग प्रेस कर दिया, उसके बाद दो चार सेकंड बाद इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है, एंड देखो जैसे ही उसको छोड़ दिया ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका है। अब मैं 3.1 वाला लाइन को हाईलाइट करूँगा, देखो इसके ऊपर मतलब प्रेस किया, उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है, मतलब जितना सिलेक्ट करूँगा उतना हाईलाइट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को आपको अपना के आपको हाईलाइट करना है। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपका ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा है तो इसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आपने हाईलाइट कर लिया, ओके, तो ऊपर में आपको एक टिक वाला बटन देखने को मिल रहा है, तो आपको टिक वाला बटन पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर दिया उसके बाद मेरा ए वाला पीडीएफ ऑटोमेटिकली इस लाइन हाईलाइट हो चुका है। तो इसी प्रोसेस को आप ना के आपका पीडीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके रखना है, क्लियर ना। बाद में अगर आप इस पेज से मतलब निकल जाओगे एंड बाद में इस पीडीएफ को ओपन करोगे तो देखो ए वाला लाइन ऑटोमेटिकली हाईलाइट किया हुआ है, एंड इस पीडीएफ को किसी भी फ्रेंड के पास अगर शेयर करोगे तो ये लाइन हाईलाइट किया हुआ रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पीडीएफ के अंदर इस प्रोसेस को अपना के हाईलाइट नहीं कर पा रहे हो, मतलब इस प्रोसेस को अपना रहे हो लेकिन आपका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, आपके इंपॉर्टेंट लाइन सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो आप हाईलाइट कैसे करोगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, शायद आप ऐसा गलती कर रहे हो कि आपने जो ब्राउज़र से, किसी भी ब्राउज़र से पीडीएफ को डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद उस पीडीएफ को सबसे पहले मतलब दूसरा एप्लीकेशन में ओपन किया है, उसके बाद उस एप्लीकेशन से आप एडोब एक्रोबैट वाला एप्लीकेशन में शेयर कर रहे हो, और उसके बाद आप मतलब किसी भी इंपॉर्टेंट लाइन को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपने किसी भी ब्राउज़र से जो पीडीएफ को डाउनलोड किया है उस पीडीएफ को डायरेक्ट आपको एडोब एक्रोबैट वाला एप्लीकेशन के अंदर ओपन करना है।
आप जैसे ही डायरेक्ट एडोब एक्रोड वाला एप्लीकेशन के अंदर ओपन करोगे तो आपका पीडीएफ के अंदर इंपॉर्टेंट क्लाइंट ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं आपको प्रोसेस बताया वो प्रोसेस आपका काम करने लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही था हाईलाइट करने का प्रोसेस। मैं आपको फुल प्रोसेस डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको हाईलाइटिंग में दिक्कत हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद हेल्प मिली है, मदद मिली है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ जानकारी मिला है तो वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना। तो मिलते हैं अगले एंड कमल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।